एक और बड़ी खबर है, नाटो और रूस के बीच चरम पर तनाव पहुंचा हुआ है। नाटो देश पोलैंड पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया है, दुनिया के सामने बड़ी जंग का खतरा भी बढ़ गया है। और अब इससे जुड़ी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, नाटो वर्सेस रूस आखिर किसमें कितनी ताकत है यह जानना बहुत जरूरी है। देखिए पूरी सैन्य ताकत का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं, नाटो के पास कितनी ताकत है, सेना के जवान कितने हैं ये आपको बता देते हैं फटाफट। 54,05,700 की संख्या में, वहीं रूस के पास है 13,50,000। एक्टिव सैनिक कितने हैं, 33,66,000, तो रूस के पास है लगभग 8,50,000। साथ ही सैन्य ताकत के मामले में नाटो के पास रिजर्व फोर्स है 13,01,000 और रूस के पास है 2.5 लाख के करीब में। वहीं पैरा यूनिट की बात करें तो 7,38,700 नाटो के पास है पैरा यूनिट और रूस के पास है 2.5 लाख। अब अगली जो है वो जानकारी वो आपके साथ शेयर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। करते हैं सैन्य ताकत से जुड़ी हुई, एयरक्राफ्ट नाटो के पास है 20,723 और रूस के पास है 4,173 और फाइटर जेट्स अगर हम देखें नाटो के पास है 3,527 के करीब में। स्पेशल एयरक्राफ्ट है नाटो के पास 1,014 तो रूस के पास 132। टैंकर्स एयरक्राफ्ट है 678 और रूस के पास 20 है। वही हेलीकॉप्टर्स है 8,485 और रूस के पास है 1,543। यश मोर सर, अगर ऐसी नौबत भी आती है नाटो वर्सेस रूस की तो जो सैन्य ताकत है उसमें रूस तो नाटो के 30 देशों के आगे कहीं नहीं ठहरता है, पलड़ा तो ज्यादा नाटो कंट्रीज का ही भारी दिखता है। ऐसे में पुतिन को पोलैंड में हुए हमले के बाद अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करने की जरूरत है क्या, बातचीत करने की जरूरत है क्या नाटो कंट्रीज के साथ? आप शुरू से देखो तो पुतिन को इस बात का इल्म है, उसको इस बात का पता है कि ही कैन नॉट चैलेंज नाटो, बिकॉज नाटो ना बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उसकी पावर नजर आ रही है यूक्रेन में कि 265 दिन की लड़ाई होगी, अभी तक रशिया के पास सुपीरियरिटी ऑफ एयर कंट्रोल भी नहीं है यूक्रेन के ऊपर, छोटा सा देश है उसके ऊपर भी उसके हवाई जहाज नहीं फ्लाई कर पाते अपनी मर्जी से। और जो इंटेल ISR सिस्टम्स हैं, जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, जो एंटी टैंक सिस्टम्स हैं, जो नाटो ने सप्लाई किए हैं, उसने जो है पूरे के पूरे यूक्रेन के अंदर कब्रिस्तान बना दिया रशियन इक्विपमेंट का। तो रशिया नोज दी पावर ऑफ, तो रशिया कोई चांस ही नहीं है। पुतिन बेवकूफी काफी काम किए हैं पुतिन ने इस पूरी लड़ाई के अंदर, गलत टाइम पे लड़ाई शुरू करी, गलत स्ट्रेटजी से लड़ाई शुरू करी, ना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव मिले ना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मिले, और कहीं ना कहीं पुतिन जो है अपनी साख बचाने के चक्कर में, लेकिन इतना भी नहीं वो कर सकते कि नाटो को चैलेंज। बिल्कुल पुतिन अपनी साख तो जरूर बचाएंगे लेकिन किसी तरीके का जोखिम नहीं उठाएंगे, ये बड़ी बात आपने कही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।